एवरी वन सो आज के इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक मटीरियल से रिलेटेड कुछ टर्म्स सीखेंगे दैट जैसे कि मैग्नेटाइजेशन हो गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गया मैग्नेटिक सेप्टिबिलिटी हो गया ठीक है so, सो ये जो पूरा डिस्कशन है अगेन दिस इज बेस्ड फ्रॉम एन सी आर टी ठीक है अच्छा सो so, पहला टर्म जो है वो हम जानेंगे वॉट इज मैग्नेटाइजेशन अब जैसे हम लोगों को पता है कि अगर एक सर्कुलर करेंट लूप है ठीक है सर्कुलर करंट लूप इट इज़ एसोसिएटेड विद ए मैग्नेटिक डायपोल मतलब अगर करंट कैरिंग लूप है वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है मतलब जैसे यहाँ पे अगर लूप में करंट आई करंट फ्लो कर रहा है ठीक है सो ये जो फेस है इस फेस में क्या होगा मैग्नेटिक लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगे मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी होगा अब इसी कॉल को अगर हम लोग उल्टे साइड से देखेंगे तो वहाँ पर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा तो क्लॉकवाइज करंट के लिए जो अपोजिट फेस है वहाँ पर क्या हो जाएगा साउथ पोलैरिटी हो जाएगा साउथ पोलैरिटी ठीक है सो ये हम लोगों ने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ा था कि करंट कैरिंग कॉयल बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाईपोल ठीक है अब एटम में क्या होता है एटम में भी तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है ठीक है अब इलेक्ट्रॉन क्या है चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल अगर एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मोशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल यू हैव इलेक्ट्रिक करंट ठीक है तो करंट का अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज करंट होगा तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन मोशन के वजह से भी एटम में क्या होगा एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है ठीक है मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है तो अब जो मैग्नेटिक मटीरियल्स हैं उसमें क्या होता है कि जितने भी ऑर्बिटल मोशन के वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रहा है अब मैग्नेटिक मोमेंट तो एक वैक्टर क्वान्टिटी है तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे ये सब अलग अलग डायरेक्शन होंगे ठीक है तो इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कैसे निकालेंगे ये अलग अलग वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका एक वेक्टर रिजल्टेंट होगा ठीक है तो वैसे हम लोग रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है सो वो एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ पे एनसीआर में लिखा हुआ है सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम गिव राइज टू मैग्नेटिक मोमेंट ठीक है ये इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के वजह से हो गया विच इन ए बल्क मटीरियल प्रोड्यूसेस ए नेट मैग्नेटिक मोमेंट ठीक है और ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा ये वेक्टर सम ऑफ़ द इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स होगा ठीक है सो हम लोग मैग्नेटाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे मैग्नेटाइजेशन पहला टर्म है मैग्नेटाइजेशन इसको जुनोर करते हैं कैपिटल एम वेक्टर इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी तो जो मैग्नेटाइजेशन है इट इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम नेट मैग्नेटिक मोमेंट नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है अब ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है हम लोगों ने यह कैसे कैलकुलेट किया इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका वेक्टर सम निकाला है ठीक है अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से इसको अगर मैं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ठीक है और वॉल्यूम को वी से ठीक है तो ये अगेन नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये भी वैक्टर क्वान्टिटी है यहाँ पर एक वैक्टर सिंबल होगा तो जो मैग्नेटाइशन होगा कैपिटल एम इट इज़ इक्वल टू स्मॉल एम नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ठीक है अच्छा अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसका यूनिट क्या था एम्पियर मीटर स्क्वायर ठीक है वॉल्यूम का यूनिट क्या है मीटर क्यूब ठीक है तो इसका मतलब जो मैरेटाइजेशन होगा इसका यूनिट क्या हो जाएगा एम्पियर पर मीटर एम्पियर पर मीटर ये उसका ऐसा यूनिट होगा ठीक है अच्छा ये तो हो गया मैरिटाइजेशन ठीक है मैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन हो गया नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम उसका यूनिट क्या होगा है एम्पियर पर मीटर ठीक है अब आगे बढ़ते हैं मान लीजिए कि हमारे पास एक सोलिनॉइड है ठीक है ना सोलिनॉइड इसमें करंट आई करंट फ्लो कर रहा है और स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ठीक है सो जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा ठीक है अब वो मैग्नेटिक फील्ड में लिख रहा हूं बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ठीक है ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलनर्ट का यही फॉर्मूला था म्यू नॉट एन आई एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ठीक है अच्छा अब हम लोगों ने क्या किया इस सोलोनर्ट के अंदर हम लोगों ने एक मटेरियल अंदर कोर में मतलब तो सोलोनर्ट के अंदर हम लोगों ने एक मटेरियल डाल दिया ठीक है इसके अंदर एक मटीरियल ठीक है अब ये मटीरियल कैसा है मटीरियल विथ नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन ठीक है जो मटीरियल है विथ नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन ठीक है इनिशियली इट इज नॉट मैग्नेटाइज ठीक है अच्छा अब क्या होगा अब हम लोग जब करंट फ्लो करेंगे सोलन में करंट फ्लो करेगा तो सोलनड मैग्नेटाइज होगा अंदर का जो कोर है उसमें भी तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा ठीक है तो अभी जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर उसको बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बी इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड uh, सो वो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इट इज द सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलनाइट प्लस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड इन द मटीरियल बी एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटीरियल ठीक है अच्छा अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटीरियल है बी एम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटीरियल नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट दिस क्वान्टिटी इट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन इट इज़ प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेटाइजेशन जितना ज़्यादा होगा जो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होगा वो भी उतना ही ज़्यादा होगा ठीक है बी एम प्रोपोर्शनल टू एम ठीक है तो ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को अगर रिमूव करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा ठीक है वो कांस्टेंट क्या होता है वो कांस्टेंट है म्यू नॉट मैग्नेटिक परमीएबिलिटी ठीक है सो म्यू नॉट टाइम्स एम हो गया ठीक है सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन बी एम एंड एम ठीक है अच्छा अब नेक्स्ट टर्म है मैग्नेटिक इंटेंसिटी अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच वेक्टर एच ठीक है और ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता क्या है डिग्री टू विच डिग्री टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए मटीरियल कैन मैग्नेटाइज ए मटीरियल ठीक है कैन मैनेटाइज ए मेटीरियल इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है अगेन इट इज ए वैक्टर क्वान्टिटी अब एच का एक्सप्रेशन क्या है एच इज इक्वल टू बी बाई मी नॉट बी हो गया रिजल्टेंट फील्ड ठीक है माइनस एम माइनस एम एम हो गया मैनेटाइजेशन ठीक है इसका यूनिट क्या है इसका यूनिट और क्योंकि एच इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दीज टू क्वांटिटीज तो इसका मतलब इन दोनों क्वान्टिटी का भी यूनिट uh, सेम होना चाहिए इसका हम लोग यूनिट ऑलरेडी निकाल चुके हैं एम्पेयर पर मीटर ठीक है तो इसका मतलब इंटेंसिटी मैग्नेटिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा इसका यूनिट भी सेम होगा एमपेयर पर मीटर इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए ना तभी तो सेम यूनिट के क्वांटिटी को ही सब कर सकते हैं ठीक है तो इसका मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा एमपेयर पर मीटर तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन यूनिट दोनों के सेम है ठीक है अच्छा अब ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला एक्सप्रेशन इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट एम म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम यहाँ पे देखिए जो दो टर्म्स आ रहे हैं इसमें जो ये टर्म है सेकेंड टर्म ठीक है म्यू नॉट एम ये क्या था दिस इज बी एम दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मटीरियल ठीक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मटीरियल और ये ये कौन सा टर्म है दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर मतलब जैसे हम लोगों ने सोलोनाइट के लिए सोलोनाइट में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था ठीक है अब उस फील्ड की वजह से उसके अंदर जो मटीरियल था उसमें ये फील्ड प्रोड्यूस हुआ था तो ये जो फील्ड है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ठीक है मतलब करंट की वजह से करंट फ्लो होने की वजह से जो मैगनेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है ठीक है और ये हो गया रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड ठीक है अब ये जो मैनेटाइजेशन है एम इट इज ऑब्जर्व डैट दिस मैनेटाइजेशन इज

मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एस यू एस सी ई पी टी आई बी आई एल आई टी वाई ठीक है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो ये क्वांटिटी है मैगनेटाइजेशन इसका यूनिट क्या था एम्पियर पर मीटर मैग्नेटिक इंटेंसिटी इसका यूनिट क्या था ये भी एम्पियर पर मीटर तो इसका मतलब जो ये ससेप्टिबिलिटी uh, होगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये इसका कोई यूनिट नहीं होगा इट इज़ ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी ठीक है डायमेंशन लेस क्वांटिटी ठीक है तो मैग्नेटिक सबिलिटी इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी ठीक है अगर मैग्नेटिक सबिलिटी डिफाइन करने के लिए आता है तो हम लोग काई को कैसे डिफाइन करेंगे काई इज इक्वल टू एम बाई एच ठीक है मतलब मैग्नेटिक सबिलिटी इज मैनेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेटिक सबिलिटी इज मैनेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी ठीक है अब ये काई का वैल्यू से हम लोग मतलब मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं मतलब जैसे अगर पैरा मैग्नेटिक मटीरियल हो गया ठीक है पैरा मैग्नेटिक अब ये सिलेबस में नहीं है फिर भी बता रहा हूँ पैरा मैग्नेटिक मटीरियल्स पैरा मैग्नेटिक मटीरियल्स के लिए काई का वैल्यू स्मॉल होता है पॉजिटिव होता है काई स्मॉल और पॉजिटिव ठीक है डायमेटी के लिए भी काई स्मॉल होता है बट निगेटिव होता है ठीक है डायमेनिटी के लिए काई स्मॉल होता है बट निगेटिव होता है ठीक है अच्छा अब ये जो रिलेशन है इसको हम लोग सब्सटूट कर सकते हैं यहां पे ठीक है b इज इक्वल टू बी नॉट एच प्लस मी नॉट एम आया था बट ये m का एक्सप्रेशन क्या आया है m इक्वल टू काई एच आया ठीक है थीके? सो इसको सब्सटूट करते हैं b इक्वल टू हमारे पास था मी नॉट एच प्लस मी नॉट एम एम इक्वल टू क्या आया काई इंटू एच तो ये जो एम का वैल्यू है यहाँ पे हम लोग सब करते हैं ठीक है तो हमारे पास क्या आएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट काई एच म्यू नॉट काई एच तो म्यू नॉट को अगर कॉमन लें तो म्यू नॉट वन प्लस काई इंटू एच वन प्लस काई इन एच ठीक है अभी जो वन प्लस काई है ना वन प्लस काई दिस इज इक्वल टू वन प्लस काई इट इज इक्वल टू रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर ठीक है सो इसको अगर यहाँ पर सब्सटूट करें तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर टाइम्स एच म्यू नॉट म्यू आर टाइम्स एच अब देखिए म्यू इक्वल टू तो क्या होता है अब देखिए म्यू आर इक्वल टू तो क्या होता है म्यू आर इक्वल टू रिलेटिव मैनेटिक परमेबिलिटी इक्वल टू मैग्नेटिक परमेबिलिटी डिवाइड बाय परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस तो इसका मतलब म्यू इक्वल टू तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट इन म्यू आर तो ये क्वांटिटी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं विद म्यू सो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एच बी इक्वल टू म्यू टाइम्स एच ठीक है म्यू इक्वल टू था म्यू नॉट इन टू म्यू आर ठीक है म्यू आर का वैल्यू क्या है वन प्लस काई ठीक है सो इसको हम लोग रीअरेंज करके कैसे लिखते हैं म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स वन प्लस काई वन प्लस काई ठीक है सो ये और एक रिलेशन आ गया बिटवीन म्यू एंड म्यू नॉट ओके सो ऐसे रिलेशन प्रूफ करने के लिए आ सकता है ये रिलेशन प्रूफ करने के लिए आ सकता है ठीक है ये रिलेशन भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है ठीक है so, सो आई होप ये डेरीवेशन आपको क्लियर होंगे ठीक है ये सारा डेरीवेशन मैंने एनसीआर टी से ही डिस्कस किया है ओके सो होप दिस वीडियो बेनिफिट्स यू माई बेस्ट विचेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन गुड लक